कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। और आज का जो रिव्यू है वो है न्यूट्रोजीना पर, न्यूट्रोजीना का हाइड्रा बूस्ट वाटर जेल ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। और ये बहुत जो है बेस्ट मॉइस्चराइज़र है ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए नहीं है। और एक्नी प्रोन स्किन का मुझे आइडिया नहीं है कि उनके लिए ये कैसी रहती है, तो मैं उनको रिकमेंड नहीं करूँगी। बाकी ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए ये बेहतरीन मॉइस्चराइज़र है, आप इसको लाजमी ट्राई करें। स्किन को फ्रेश रखता है, हेल्दी रखता है और ग्लोई बनाता है। ये इसको आप ज़रूर ट्राई करें, ये बेस्ट है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने इसकी अपना रिव्यू जो है आपके साथ शेयर किया है। मैं इसकी एक बोतल यूज़ कर चुकी हूँ और एक ये भी ख़त्म हो गई है, बिल्कुल ख़त्म है ये, आप देख सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से आपको टोटली रिकमेंड है, आप यूज़ करें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और इसकी जो प्राइस की तरफ अगर हम आ जाएं तो प्राइस इसकी जो है वो आपको 2500 या 3000 के अराउंड आपको ये मिल जाएगी। और अगर ऑनलाइन आप देखेंगे, मैं कुछ लिंक अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ देख लीजिएगा, वहाँ से आप इसको इजीली बाय कर सकते हैं। अलफतेह से अगर आप लाहौर में रहते हैं, अलफतेह या रहीम स्टोर वगैरह से आपको ये ईज़िली मिल जाएगी। और ये जो है काफ़ी देर तक चलती है, ये आप इसको थोड़ा थोड़ा सा यूज़ करते हैं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं करना क्योंकि फ़ायदा नहीं है। आपने जब इसको यूज़ करना है तो आप हल्का सा फेस को जो है ना वो वेट रखें, बिल्कुल ड्राई ना करें। हल्का सा स्प्रे, रोज़ वाटर का स्प्रे कर लें। मैं वो रोज़ वाटर यूज़ नहीं करती, मुझे सूट नहीं करता, मुझे पिम्पल हो जाते हैं। लेकिन जो है मैं ऐसा करती हूँ कि मैं टॉवल ड्राई नहीं करती फेस को, मैं जो है टिश्यू पेपर से अपना फेस हल्का सा ड्राई करती हूँ और हल्का हल्का सा जो है वो वेट होता है और मैं इसको अप्लाई करती हूँ और ये बहुत अच्छा रहता है। और ये मेरी तरफ से जो है टोटली रिकमेंड है ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, बहुत बेस्ट रहेगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है। और अब जो नेक्स्ट है वो मैं आपको दिखाती हूँ, ये है न्यूट्रोजीना का फ्रेश एंड क्लियर फेशियल वॉश। और ये फेस वॉश है इसका, लेकिन ये फेस वॉश तो है ही, ये क्लिंजर का काम भी करता है। तो ये आपकी स्किन से इतनी अच्छे से जो है डर्ट को रिमूव कर देता है। अच्छा, अक्सर ऐसा है कि आपके ऐसे आईलाइनर या काजल लगाया आपने या मस्कारा लगाया है, वो आपकी स्किन के साथ ऐसे आंखों के नीचे लग जाता है कि आप कुछ भी कर लें वो रिमूव नहीं होता। लेकिन ये ऐसा है, इसको आप यूज़ करें तो आपका वो जो है जितना भी फेस पर डर्ट है या ऐसा कोई जो है जो आंखों के नीचे डार्क डार्क जो ब्लैक ब्लैक हो जाता है, उसको फ़ौरन से ये रिमूव कर देता है। और इसका टेक्सचर बहुत बहुत ही अच्छा है और ये स्किन को ड्राई बिल्कुल भी नहीं होने देता। ये भी आप ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन और ड्राई स्किन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये स्किन को ऑयली भी नहीं करता और स्किन को ड्राई भी नहीं करता, स्किन को एक फ्रेश और ग्लोई सा जो है इफ़ेक्ट देता है। आपको ये भी बहुत पसंद आएगा, ये दोनों जो एक साथ यूज़ करें आपको बहुत मज़ा आएगा। और मैं भी इसको एक साथ यूज़ करती हूँ, ये तो जो है ख़त्म हो गया लेकिन ये अभी है, तो मैं इसका पहले भी बता चुकी हूँ लेकिन फिर मैंने इसके साथ जो रिव्यू देना था तो मैंने कहा मैं आपको बता देती हूँ। ये बड़ा जो है मज़ेदार सा इसका टेक्सचर है अंदर का, बहुत मज़े वेलवेटी सा, बड़ा मज़ा आता है इसको यूज़ करने में। और आपका जो आपका फेस है वो अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाता है इससे। आप इसको यूज़ करेंगे आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और ये भी जो है, ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी ये जहाँ से मिलेंगी ऑनलाइन और जहाँ से आप ले सकते हैं मैं आपको बता दूंगी। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि अलफतेह से मिल जाएगा जो लाहौर रहते हैं, और ऑनलाइन भी उसकी वेबसाइट है, आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा, आप ईज़िली मंगवा सकते हैं। और जो नहीं यहाँ की कराची वगैरह हैं उनका जो है मैं ये बैक गैलरी से मिल जाएगा आपको, या vigis.pk से भी मिल जाएगा, और मैं आपको लिंक अटैच कर दूंगी, आप देख लीजिएगा ये दोनों चीज़ें। और इसके अलावा जो मैंने इसका यूज़ किया है, एक हाइड्रा बूस्ट का ये जो है क्लिंजर मैंने यूज़ किया है और एक जो है इसका स्क्रब मैंने यूज़ किया है जो डेली यूज़ करते हैं, मैं उसकी पिक्चर अटैच कर दूंगी, आप देख लीजिएगा, वो भी बहुत बेस्ट हैं, स्किन को ऑयली नहीं होने देते या ड्राई नहीं होने देते, ज़्यादा अच्छे से जो है ना आपकी स्किन पर वर्क करते हैं वो। और मैंने अभी तक जो है यही सिर्फ जो है प्रोडक्ट इसके यूज़ किए हैं चार, एक ये और दो जो मैं आपके साथ अटैच कर दूंगी, पिक्चर आपके साथ शेयर कर दूंगी और वो आप यूज़ कर लेना। और करके मेरे साथ अगर आप इन दोनों में से या उनमें से कोई चीज़ यूज़ करें तो मेरे साथ आपने रिव्यू जो है लाजमी शेयर करना है कि मुझे भी पता चले कि किस किस को ये मेरी चीज़ें पसंद आ रही हैं। और
बाकी वो जो दोनों चीज़ें हैं जो मैं पिक्चर अटैच करूँगी, फेस वॉश स्क्रब वाला और जो क्लिंजर है वो भी बेस्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका भी। आप सबसे अच्छी बात है कि आपकी स्किन को जो है ना ड्राई नहीं होने देते वो, आपकी स्किन से कुछ फेस वॉश जो होते हैं वो आपकी स्किन से सारा जो मॉइस्चर है ना वो निकाल बाहर कर फेंकते हैं, तो वो अच्छा नहीं होता। ये जो है ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं करते, अच्छे से जो है क्लीन रखते हैं ये दोनों ये मॉइस्चराइज़र और ये फेस वॉश, और वो भी चीज़ें वो मैं अटैच कर देती हूँ। ये है हाइड्रा बूस्ट क्लिंजर जिसका मैंने आपको बताया है, ये भी बहुत बेस्ट है। और ये है विजिबली क्लियर, ये भी इसका स्क्रब डेली वॉश। और जी अब जो है वीडियो को एंड करते हैं। आपको मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू जो है पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना तो मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ, कि सब तक मेरी जो है वीडियो पहुंच सके और सब मेरा रिव्यू देख सकें और ये जो चीज़ें हैं वो बाय कर सकें कि किन किन स्किन टाइप के लिए जो है ये बेस्ट है और किन के लिए जो है नहीं है ये। और ये सिर्फ मैंने कहा है कि ये ड्राई स्किन के लिए नहीं है, बाकी जो वो ये फेस वॉश जो है और जो हाइड्रा बूस्ट का क्लिंजर है वो और क्या कहते हैं वो स्क्रब है वो भी ऑयली स्किन के लिए जो है और ड्राई स्किन के लिए है, ये सिर्फ ड्राई स्किन के लिए, बाकी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और एक्ने प्रोन स्किन का मुझे आइडिया नहीं है, मैं बार बार बता रही हूँ, मैं उनके लिए नहीं ये रिकमेंड करूँगी कि बाद में, मैं नहीं चाहती कि जो मेरे फॉलोवर्स हैं या जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको गलत मैं जो है गाइड करूँ। तो ठीक है जी, और अब वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो चैनल को जो है फिर से बोल रही हूँ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है आपने। कुछ लोग हैं वीडियो भी पूरी देख लेते हैं और फ़ायदा भी पूरा उठा लेते हैं, लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपने मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब लाजमी करना है और बेल आइकॉन को दबाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना कि मेरी आने वाली हर वीडियो जो है आप तक पहुँच जाएगी। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।